हेलो एवरीवन, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लाइव आ चुके हैं, 10 बज गए हैं और आप अब अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले 10 लोगों के सवालों के जवाब हम यहाँ देंगे। और अगर कहीं आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं और पहले 10 में नहीं आ पा रहे हैं तो डोंट वरी, राइट, आप यहाँ पर सुपर चैट में पे करके भी जवाब दे सवाल पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप ऑनलाइन प्राइवेटली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डॉकवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लाइब्रेट प्रैक्टो पे जाइए, नीचे सब लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ नीचे से ले लो या एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर लो, 08039658989, आपकी हमारी बात हो जाएगी। सो बहुत मुश्किल नहीं है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। 10 सवालों के जवाब पहले खोल लेते हैं हम कि भाई क्या सवाल है। लो गो के। और बातचीत शुरू करने से पहले आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज तो सही आ रही है ना भाई? और सवाल बहुत सारे आ चुके हैं, राइट? सो बहुत सारे लोगों के सवाल आ चुके हैं और अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं YouTube के लिए, Instagram पे। सो अगर आप मुझे Instagram पे फॉलो कर रहे हैं तो आप लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं वीडियो आने से काफ़ी दिनों पहले, और उसके लिए आपको मेरे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे फॉलो करने के लिए आप नीचे लिंक देख सकते हैं या dr.parmjeet singh अगर आप टाइप करेंगे तो भी Instagram पे आ जाऊँगा मैं। सवाल नंबर 1 है राज कामले जी का। राज कामला जी पूछ रहे हैं, सर मेरे पैरों में मैं पैरों में रोज़ मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ तो भी पैर और निखरने के बजाय के बीच, क्या पैरों के पैर और नाखूनों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नंबर वन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अल्कोहल से एक्सपोज होना, मतलब हॉस्पिटल में तो ऐसे ही होता है। क्या हुआ, अब मैं भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में वो लगाता हूँ, लेकिन मैंने जब से हैंड रब बहुत ज़्यादा कर लिया, इन्फेक्शन ना हो जाए, थोड़ा सा बच्चा बीमार हो गया तो उसके चक्कर में, तो मैंने देखा यार मेरे तो हाथ ही खराब होने लग गए, हाथ खराब होने लग जाते हैं अल्कोहल से, तो दिमाग से नहीं निकल जाता ना। फिर मैंने ग्लव्स पहनना शुरू किया, मैंने कहा ग्लव्स ही पहनते हैं, चलो ग्लव्स वेस्ट हो कोई बात नहीं। वो पॉइंट इज, तब हर पेशेंट को टच करने से पहले तो नहीं, पर इकोकार्डियोग्राफी से ले, बट इट्स नॉट नीडेड, बट इन फाइन, बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये सवाल का है। सवाल जो आपका है बहुत सारा है, अल्टीमेटली क्या है, मॉइस्चराइज़र हर रोज़ लगाना काफ़ी नहीं होता, आपको अपनी स्किन को समझना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कई बार मॉइस्चराइज़र दिन में 2 बार, दिन में 4 बार भी लगाना पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके साथ है पानी का इंटेक, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो स्किन ड्राई हो जाएगी। तो पानी कितना पीना है, किसी को 2 लीटर, किसी को 6 लीटर, किसी को 6 नहीं, किसी को 2, किसी को 4 लीटर, ठीक है, 2, 3, 4 उसके हिसाब से। तो आप 4 लीटर पियो, 4 लीटर पानी पियो, मॉइस्चराइज़र दिन में 2 बार लगाओ, और मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाओ, बटर वाला, शिया बटर वाला, कोकोआ बटर वाला, वो वाला, या फिर ऑयल मसाज कर लो दिन में 2-3, 1-2 बार अपने उसको ऑयल कोई भी लगा लो, अपना नारियल तेल, ये वो, उससे भी फायदा नहाने से पहले, दैट विल हेल्प, रिमेंबर। और बहुत बड़ा पॉइंट है चप्पल पहनना, चप्पल जो पहनते हैं ना, चप्पल खुली हुई चप्पल, व्हेन यू वेयर सैंडल्स योर फूट आर एक्सपोज टू सो मैनी हीट, ये और वो इतना सारे, और हवाएं, राइट, ये वो मॉइस्ट, और बाहर का टेम्परेचर इतने, मतलब अत्याचार होता है आपके पैरों के साथ कि पूछो मत, अति अत्याचार, बचाओ उनको, बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवी जी, सर 50 साल की उम्र है, फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न, हाई कोलेस्ट्रॉल, फोमी यूरिन, इज इट सीरियस? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अनरिलेटेड। सब फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न कैन बी बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, 50 साल की उम्र विथ हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना पड़ेगा, कैन बी सीरियस। नाउ इज इट सीरियस, ये बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने भाई, सीरियस है कि नहीं है ये तो एग्जामिनेशन करके डायग्नोस होके पता चलेगा। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको डाइट एक्सरसाइज से कम करो, कोलेस्ट्रॉल हाई ज़रूरी नहीं है बीमारी करेगा ही करेगा, पहले और बहुत बार बता चुके हैं आपको लोग भी और कई बार मैं भी। सो कोलेस्ट्रॉल तो भूल जाओ, फोमी यूरिन, यूरिन आरएम, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करना कंपलसरी है, ज़रूर करवाओ उसको, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना, और ज़रूरत एक बार कल्चर भी करा लो कोई भी एंटीबायोटिक खाने से पहले कि इन्फेक्शन ना हो। और हार्ट बर्न के लिए विटामिन डी, विटामिन बी12 का टेस्ट कराओ, और एंटासिड खा के देखो, अगर एंटासिड से रिलीफ
रिलीफ हो जा रहा है, इट माइट बी जस्ट गैस्ट्राइटिस. उसके लिए नीचे डाइजेस्टिव हेल्थ की मेरी पूरी सीरीज है, उसको देखो और उसको फॉलो करो. मे बी सिर्फ उसको फॉलो करने से आपका ये ठीक हो जाए. हार्ट के लिए पूरे टेस्ट नीचे बताए गए, हार्ट टेस्ट की पूरी सीरीज है, एक एक टेस्ट में क्या क्या पता चलता है, कैसे कैसे ईसीजी कैसे पढ़ते हैं, ईसीजी कैसे ठीक, ईसीजी से कैसे क्या पता चलता है, सब बताया हुआ है, जाके देखो तो सही. फिलहाल हमें एक पेड सवाल आया है, तो दूसरे सवाल से पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि ये भाई साहब जी ने क्या पूछा है पेड सवाल में. ऑलराइट, अभिषेक चौहान जी पूछ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन इज लो, प्लीज सजेस्ट बेस्ट सप्लीमेंट. हाहा, आज अपने सिक्स पैक वाले पाजी जो है ना, क्या नाम है उनका, उनका एक वीडियो आया सिक्स पैक्स वाले जो पाजी हैं और कई लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भी ऐसी एक वो मारा था, बेस्ट फ्री सप्लीमेंट फॉर ग्रोथ हार्मोन क्या है, नींद, सोने का. बढ़िया, वैसे ही है भाई, आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट है प्रॉपर स्लीप. भैया 8 से 9 घंटे सोना शुरू करो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा. मैं कह रहा हूँ कोई भी उल्टे सीधे सप्लीमेंट लेने से पहले बस एक महीना, ओनली 1 मंथ दे दो आप, ठीक है. किसको दे दो, मुझे दे दो. कैसे दे दो, टेस्टोस्टेरोन वाला मेरा वीडियो देखा है, नहीं देखा तो देखो, टेस्टोस्टेरोन बाय डॉक्टर एजुकेशन जाके टाइप करो और एक पेन और पेपर लेना. उसमें मैंने पॉइंट्स बताया क्या क्या से टेस्टोस्टेरोन कम होता, क्या क्या से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता, ठीक है. वो दोनों लिस्ट बना के उन दोनों पॉइंट्स पे नेचुरली पहले एक्ट करना शुरू करो. एक महीना आज करना शुरू करो, एक महीने के बाद फिर अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल रीचेक कराओ, खाली पेट सुबह 8 बजे फिर भी कम आए तब मुझे ये सवाल पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सप्लीमेंट लेना है. ऑलराइट, ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्री क्वेश्चन. विजय शर्मा, बेकाडेक्सामिन मल्टीविटामिन एंड मल्टीवाइट FM ओमेगा टैबलेट्स डेली साथ में ले सकते हैं क्या, और नहीं और ले तो नहीं तो कैसे लेना चाहिए. भाई देखो, मल्टीवाइट FM ओमेगा अपने आप में बढ़िया दवाई है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 भी डाला हुआ है, मल्टीविटामिन भी डाला हुआ है, तो फिर आपको बेकाडेक्सामिन साथ में क्यों लेना है, मतलब वो वेस्ट है, फालतू है, अननीडेड है. आप ले सकते हो प्योर सिंपल है कि अगर आपको देखो ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 अगर डाइट में नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे डाइट में विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, कोई तो प्रॉब्लम है, मुझे चाहिए, बॉडी में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द थिंग. अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो होगा, अभी मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, थक जाता हूँ, पानी चाहिए होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी पीना पड़ता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिव विथ इट एंड डील विथ इट, राइट. तो आपके केस में आप दोनों मत लो, ठीक है. FM ओमेगा इज बेटर देन बेकाडेक्सामिन ऑब्वियसली, बिकॉज FM में ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 3 है तो ऑब्वियसली बेटर है. हाँ, अगर आपको पास डाइट में ओमेगा 3 का ऑप्शंस हैं कि अब आप फिश खा रहे हो, बढ़िया वो खा रहे हो, तो फिर आप इसकी जगह वो ले लो, सस्ता वाला ले लो, फिर तो ज़रूरत भी नहीं है कई दफ़ा, राइट, हर रोज़ लेने की. ओके, एक और पेड सवाल आया है, पहले पेड सवाल देख लेते हैं, राइट, फिर इस लाइस्ट लिस्ट पे वापस आएंगे. लिस्ट कहाँ जा रही है, लिस्ट तो यहीं बैठी है, पेड वाले आ जाए, ठीक है. ऑलराइट, पेड वाला खुल नहीं रहा तो तब तक हम वो बता देते हैं, वर्म्स. अच्छा, खुल गया. जय प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, सर हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में एबॉर्शन पिल सेफ है या नहीं, वी आर नॉट मैरिड येट सो व्हाट शुड वी डू. ओके भैया, ऐसा है, एबॉर्शन पिल कतई सेफ नहीं है. यू आर नॉट मैरिड, आप अपना सेफ्टी ज़रूर देख रहे हो, लेकिन आप फीमेल के बारे में सोचो, वो फीमेल पे प्रॉब्लम आ जाएगी, वो लड़की पे प्रॉब्लम क्या आएगी, रिस्क बढ़ जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तब हॉस्पिटल जाना भी पड़ेगा, एडमिट भी होना पड़ेगा, और उल्टे सीधे ऑपरेशन से या ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाए, फिर बाद में हो सकता है वही चीज़ जो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज है, फिर बाद में करना पड़े. सो आई विड नॉट एडवाइज यू टू गो फॉर MTP वाली दवा, वो दवा से कभी भी सेफ है, आप डायरेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक दिन का प्रोसीजर होता है, वो करवाओ. मैं समझ, अगर फीमेल क्या नाम है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, बात तो करो, अब वो चीज़ मैं समझता हूँ आपकी बात कि हम तो सेफ खेलेंगे, हम फैमिली को नहीं बताना है, ये नहीं होना है, लेकिन आगे का फ्यूचर सोचो ना, आगे अगर फ्यूचर में यूट्रस के अंदर आपके बैंड्स बन गए, कोई दिक्कत हो गई कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या है, इज दिस वर्थ इट. मतलब आपने ट्राई किया गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, नहीं किया फिर, सो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट. हाइपरथायरॉयड हो या ना हो, MTP किट से मच बेटर का रिस्क मत लो, ठीक है, इट्स रॉन्ग.
इट्स रिस्की, हो सकता है आराम से हो जाए, हो सकता है थोड़े 10 दिन 20 दिन ब्लीडिंग हो फिर ठीक हो जाए, फिर उसको खून की कमी हो थोड़ी बहुत, लेकिन क्यों ले रहे हो ये सिर्फ हाइपरथायरॉयड में तो बल्कि ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये दिक्कत ज़्यादा रहता है, तो कतई मत लो। आप एक तो थायरॉयड लेवल चेक कराओ और एक गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलो, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। करण जी, वर्म्स के इफेक्ट बताइए, वर्म्स के इफेक्ट। भैया वर्म जो होते हैं दीज आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आपके अंदर जाके लार्वा यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये अपने प्रोजेनी देते हैं और वो ग्रो होते हैं और ऑब्वियसली वो आप ही के अंदर से ऊर्जा लेते हैं, आप ही का खाना खाते हैं, तो आपके अंदर कई दफ़ा पेट में वर्म्स ही वर्म भर जाते हैं, पेट खराब से लेके कई दफ़ा वो वर्म के जो लार्वा है वो खून में इतने छोटे होते हैं कि वो खून में घूमते हैं, खून में घूम के वो दिमाग में, लिवर में, कहीं भी जा सकते हैं, उसी की वजह से लिवर में हेडेटेड सिस्ट हो सकता है, दिमाग में भी जो इवन दौरे पड़ सकते हैं, दिमाग में गांठ हो सकती है, दिमाग में कीड़ा आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे, राइट। सो बहुत वर्म्स एक कॉमन चीज़ है और बहुत लंबे समय तक रह भी सकता है ये चीज़, सो इसलिए डीवर्मिंग करते हैं स्कूल के बच्चों की भी, इसकी उसकी, तो एक डीवर्मिंग का प्रोसेस अगर स्कूलों में हो रहा है तो आपको अपने बच्चे को करवाना चाहिए, राइट। ये हुए वर्म्स के ऊपर एक हमारी टिप्पणी। ऑलराइट, एक और सवाल आया हुआ दिख रहा है, लेट्स सी। सबेस्टियन जी ने पेट कर डोनेशन किया है 20 रुपीज़, थैंक यू मिस्टर सबेस्टियन, यू हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। दीपक कुमार, मैस्टरबेट करने के बाद पेन क्यों होता है, हे भगवान ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी, रुक जाओ, मैस्टरबेट करने के बाद पेन क्यों होता है लेग्स में, सर होता है, बिल्कुल होता है, सबको होता है, ईच एंड एवरी बडी, ये जितने लोग बैठे हैं ना, जितने आज तक दुनिया में मैस्टरबेट किए, इसका सबको पेन होता है, नहीं होता, तुमको हो रहा है, क्यों हो रहा है तुम्हें पेन, सोचो। नंबर वन रीजन है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अगर आपने मैस्टरबेट किया, एग्जॉर्शन तक मैस्टरबेट किया, बीमार हो, कुछ बीमारी है, थके हो, कुछ प्रॉब्लम है, तब आप बिना किसी फीलिंग के मैस्टरबेट कर रहे हो, तब आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर मैस्टरबेशन करना एक एक्सरसाइज है, मान लो आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करते समय आपके पैर में पेन हो गया, इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज की वजह से हुआ, नहीं, मैं कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं करूँगा, नहीं, आपके पैर में पेन है वो मैस्टरबेशन की वजह से नहीं होगा, वो मैस्टरबेशन करते समय बढ़ गया बिकॉज इट्स एन एक्सरसाइज, राइट। सो पेन का अलग कारण होगा, मैस्टरबेशन अलग चीज़ है, मैस्टरबेशन से पैरों में दर्द नहीं होता, ये बात याद रखना, वरना हर शादीशुदा बंदा पैर लेके आता, सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अभी अभी शादी हुई है मेरी, अच्छा, सर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अभी मेरी शादी हुई, अच्छा, फिर हम यही खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और सवाल आया है, पेट सवाल वरुण जी का, सर मुझे पी लिया था, किसने पी लिया था भाई, पी तो लिखा ही है सर, पी लिया था, नहीं पी लिया था 1 महीने पहले, तो अब क्या मैं जिम शुरू कर सकता मसल गेन के लिए, एंड कैन आई ईट हाई प्रोटीन डाइट, इज इट सेफ। पी लिया मतलब जॉन्डिस हुआ था इनको, किसी ने इनको लिटरली पी नहीं लिया था, ठीक है। तो पीलिया, जॉन्डिस 3 प्रकार की होती है, बताओ तो 5 प्रकार की होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो आपको अगर मोस्ट कॉमन वाला है तो ए हुआ होगा, ए फॉर एप्पल वाला, ए फॉर एप्पल अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपके लिवर एंजाइम्स नॉर्मल आ चुके हैं, लिवर के एंजाइम्स उसमें हज़ारों में चले जाते हैं, हज़ारों में, अगर वो नॉर्मल आ चुके हैं तो आपका लिवर में इन्फेक्शन कम हो गया है, ख़त्म सा हो गया है, अब आप धीरे धीरे प्रोटीन खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज मेरा ख़त्म हो, आज मेरे एक किलो चिकन खाऊंगा, आज मैं ये कर, धीरे धीरे बढ़ाना है आपको, थोड़ी मात्रा में आप अपने डाइट में प्रोटीन्स डालना शुरू करिए। द प्रॉब्लम इज़ नॉट प्रोटीन्स, आपके लिवर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, आपका इंटेस्टाइन करता है, आपका लिवर एंजाइम्स बनाता है, बाइल बनाता है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, तो फैट वाली चीज़ें आप धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे। प्रोटीन डाइट आप ले सकते हो, स्लोली इंक्रीज करिए और बिल्कुल करिए, खुश रहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिवर फंक्शन टेस्ट एक बार जरूर देख लो कि वो नॉर्मल है या नहीं। सॉरी।
फिर आता है सवाल दीपक कुमार जी का, पहले पांच में पांचवा सवाल पांचवा सवाल मैस्टरबेशन वो हो चुका है दीपक सवाल कुमार जी का। ललिता शर्मा जी का सवाल हेल्ड फॉर रिव्यू हुआ है लेकिन हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। सर मेरा ओवेरियन सिस्ट है 174 cc का, अच्छा cc नॉट सेंटीमीटर, cc मतलब वो वॉल्यूम है उसका 174 cc की, और गॉल ब्लैडर में मुझे लगा 174 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ जा रही हो इतना बड़ा। एनीवेज ओके ओके, गॉल ब्लैडर में 8-9 mm के स्टोन्स भी है, तो क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ? और मैं एक वीक से जिम जा रही हूँ एंड मुझे मेरी बीमारी से रिलेटेड दर्द नहीं हो रहा। ओके मोहतरमा ललिता जी, आपको क्या लगता है 174 वॉल्यूम वाला जो सिस्ट बना है एक दिन में बना है? नहीं। ये गॉल ब्लैडर में स्टोन एक दिन में बना है? नहीं। तो जब तक ये जब ये बने हैं कोई महीनों में या कुछ दिनों हफ्तों में, उस हफ्तों में दिनों में क्या आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की करी है? द पॉइंट इज, मेरा पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज का आप पे क्या इफेक्ट होता है इन पे। अगर एक्सरसाइज से पेट में दर्द होता है आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है वो सिस्ट इतना बड़ा है और लूज है कि वो हिल रहा है और डैमेज हो रहा है, हो सकता है वो अच्छे से फर्म है और कोई डैमेज नहीं हो रहा। सो आप एक्सरसाइज करो लेकिन बहुत हिलडुल के, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको ये सिस्ट पता करना है, ओवेरियन सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट है, तो मेरा वीडियो देखो फॉलिकुलर सिस्ट वाला, ओवेरियन सिस्ट वाला, उसमें समझाया है कि एक दो महीने में हो सकता है ये ठीक हो जाए, हो सकता है ये चला जाए, राइट? तो एक दो महीने के बाद, दो महीने के बाद अपना फिर से अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। और आप गॉल ब्लैडर वाला मेरा वीडियो देखो, गॉल ब्लैडर की मेडिकेशन शुरू करवाइए अपने गैस्ट्रो वाले से या फिर ऑनलाइन कंसल्ट करिए, और गॉल ब्लैडर के हिसाब से खाना शुरू करिए, गॉल ब्लैडर के हिसाब से डाइट जो हमने समझाई है वो शुरू करिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके सो एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जिम आप जा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप अपने पेट को हिला रहे हैं तब पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज करने से पेट में दर्द हो रहा है दैट मीन्स वहां पर अल्ट्रासाउंड करके फिर से रीचेक करिए, ठीक? ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल आकाश डंगाड़ी, आकाश जी का सवाल। आकाश प्लीज सजेस्ट स्वाइन फ्लू वैक्सीन फॉर 8 month बेबी। 6 महीने के ऊपर सेम वैक्सीन होती है जनाब, बस पीडियाटिक वैक्सीन अलग आती है, लेकिन सॉरी पीडियाटिक वैक्सीन अलग आती है, पीडियाटिक वैक्सीन आप किसी भी पीडियाटिशियन से लगवा सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन है? हाँ जी, आपका फ़ोन आ रहा था, क्या बोल रहे ECG आई है, पोस्ट AICD इम्प्लांटेशन HOCM VT है यार, ये फ़ोन करना पड़ेगा अर्जेंट। हाँ भाई तो बात कराओ, क्या केस है, क्या हुआ इनको? नहीं वो तो ACD हो गया, चेस्ट पेन हुआ है। इनका तो ऐसा है ना कि ये HOCM है, हाँ VT चल नहीं रहा है इनको, इम्प्लांट और नॉर्मल LV है, मोस्ट प्रोबेबली इनकी एंजियोग्राफी भी नॉर्मल होगी, तो आई डोंट थिंक ये चेस्ट पेन एंजाइना है, बट फिर भी ये बेसिकली LVBB के साथ हैं, LVBB पुराना ही है। हाँ नहीं वो तो नहीं है, ये तो है ही, तो मुझे तो ये कोई फ्रेश नहीं लग रहा, बट स्टिल इनका ऐसा करो, एक तो इको लगा लो, एक बार इको करके देख सकते, क्योंकि आधा ही घंटा हुआ है, ट्रोपोनिन में इतनी जल्दी कुछ आएगा नहीं है ना, एक इको करके देख लेते हैं और ECG रिपीट करो आधे घंटे में, ठीक है? अच्छा रेलवे वाले हैं, नहीं बट इसके लिए फिर भी हमें रेलवे से परमिशन लेकर आए हैं, ये बात कर लो, अगर फिर एडमिट करना है तो कर लेंगे चेस्ट पेन अंडर इवैल्यूएशन करके, ठीक है? बात कर लो, ज़रूरत पड़ती है एडमिट कर लो, फिर मैं आके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है ले जाओ, आते हैं हम। क्षमा माफ़ी, फिर देखते हैं आज के सवालात।
आज एक और सवाल आया है, राइट, स्वाइन फ्लू के लिए जैसे मैं बता रहा था पीडियाट्रिशियन से जाइए, स्वाइन फ्लू के लिए एडल्ट वैक्सीन पीडियाट्रिक वैक्सीन अलग आती है, बनी बनाई आती है, लगानी होती है बस, वो आपके पीडियाट्रिशियन लगा देंगे, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर, ठीक है। जयप्रकाश जी, सर डीएनसी पेनफुल और डेंजरस तो नहीं? नहीं जी, नहीं, डीएनसी कोई पेनफुल या डेंजरस नहीं होता। हाँ ये है कि उसमें पेन होता है तो वो देते हैं ना शॉर्ट, या तो शॉर्ट जीएमए करते हैं या फोर्टविन फिनारगान, थोड़ी सी सिडेशन बोलते हैं उसको, सिडेशन यानी थोड़ी देर वो आधा घंटा एक घंटा एक दो घंटा उसमें नशे में रहेंगी बस, सुबह मतलब मुश्किल से मान लो 4-6 घंटे का काम होता है नॉर्मली, इतना लंबा नहीं होता डीएनसी में, बट आप जाके देखो। और आपने मेरे पेड क्वेश्चन का आंसर किया उसके रिगार्डिंग डीएनसी के ऊपर बताया, इज इट पेनफुल? लाइक आई सेड इट इज़ अ पेनफुल थिंग, बट इट्स नॉट पेनफुल एज मच एज दैट क्रैम्स विल हैपन। वो डीएनसी का पेन जो रहेगा उसमें आपको सेडेशन देंगे, आपको थोड़ा सेडेट करके, हो सकता है शॉर्ट डी में करें डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस, अगर अच्छे वो है बंदी वो सहन कर सकती हैं तो वो सेडेशन में भी करते हैं, कई लोग वैसे सेडेशन उसमें भी करते हैं, एनेस्थीशिया में करते हैं शॉर्ट जी में। और भाई साहब देखो ऐसा है ना, वो 10 दिन 20 दिन कॉन्ट्रैक्शन होकर ब्लीडिंग हो रही है वो भी बहुत मुश्किल वाली लाइफ है, ठीक है। वो 20 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा, कमजोरी हो रही, चक्कर आ रहा, गिर रही, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैरिड कपल में तो आप संभाल सकते हो, आपने नहीं बताया उनकी फैमिली में वो गिर गई, उन्होंने चेक कराया, फिर वाकई पता चला, फिर क्या करोगे? छोटी बात नहीं है भैया, है ना, कुछ किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है ना, बी रिस्पॉन्सिबल, कम ऑन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ललिता जी, गॉल ब्लैडर का ओवेरियन सिस्ट का वीडियो देखिए, 1-2 महीने में रिपीट करिए, सिस्ट का साइज चेक करना पड़ेगा, और यस यू कैन गो टू द जिम। हाँ ओके, हरमन सिंह जी, हरसिमरन सिंह जी, आई एम अ फार्मासिस्ट, ओके, नॉलेज वाइज आपने सब समझाया, थैंक यू, अच्छा, बट लिटिल डाउट, लाइक वर्किंग ऑर्गन्स हार्ट मसल में एक सेल है, में 500 माइटोकॉन्ड्रिया, और नॉर्मल ऑर्गन्स में कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्वांटिटी वाइज। देखो 500 नहीं होते, नॉर्मल सेल में 1 या 2 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सिर्फ 1-2, दूसरे में 3-4 होंगे, दूसरे में 3-4 होंगे, ऐसा है बस, इतनी ज़्यादा नहीं, पूरा 500 में इतना सा माइंड, इतना मतलब माइक्रोस्कोपिक सेल होता है, सेल में एक न्यूक्लियस, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3-4, 1-2 वो प्रोटीन बनाने वाली ये वो, उसमें 1 आधा माइटोकॉन्ड्रिया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी बनाए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस सेल को जीने के लिए, उसमें उतने माइटोकॉन्ड्रिया दिए भगवान ने, है ना। सो वो सिंपल है, इतना क्या उसमें, देखो हाँ हर सेल में न्यूक्लियस भी अलग अलग होते हैं, किसी सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस, किसी सेल में कम न्यूक्लियस, उसके लिए आप एनाटॉमी पढ़ो, एनाटॉमी, सिर्फ सिंपल एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, सेल एनाटॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, आपको समझ में आ जाएगा कौन से सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया, कितने एनर्जी, ये पढ़ो, बहुत सिंपल, ठीक है। ओके, मिर्जा साहब, सर क्रोन्स की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स, थैंक यू जी, अरे वेलकम जी, लव यू, क्या बात है। इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन लाइफ टाइम खाने से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे जी, मेडिसिन खा रहे हो तो आज नहीं तो कल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए रेगुलर चेकअप किया जाता है, इसीलिए किडनी पे नज़र रखी जाती है, लिवर पे नज़र रखी जाती है, इसलिए हेल्थ चेकअप रेगुलर होते हैं। और ये बात याद रखिए कि क्रोन्स डिजीज़ में ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल दवा खानी ही खानी है, वो उम्मीद ये होती है कि आपने अपने ट्रिगर्स पहचाने, आपने अपनी एक लाइफ खाने पीने की लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें खाने से मुझे प्रॉब्लम होती, इससे नहीं होती, और एक लेवल पे जब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो दवाएं कम करके देखी गई, मिनिमम दवाई पे मेंटेन रखा और कोशिश करी दवाई और कम और कम और कम और कम करते जाना पड़ता है, फिर देखना होता है कि प्रॉब्लम ना बढ़े, राइट, दैट इज़ द आइडिया। क्रोन्स डिजीज इज़ अ लाइफ टर्म थिंग, आप कोशिश कर सकते हो कि आपको दवाई की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है 10 में से 4 लोगों को दवाई की ज़रूरत ना पड़े, बंद हो जाए बाद में जाके, राइट, 6 लोगों को अच्छे से नहीं कंट्रोल करना आया, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने खुद ध्यान नहीं दिया, उनको पता नहीं, ये सब नॉलेज नहीं मिला, इट्स पॉसिबल, राइट, सो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए रेगुलर चेकअप कराइए, ठीक है। ऑल राइट, नरेंद्र कुमार मिश्रा, हाउ मच आलमंड्स शुड यू कंज्यूम पर डे? इज इट गुड टू हैव आलमंड्स इन समर? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ योर एनवायरनमेंट, ओके, आलमंड्स को आप कभी भी खा सकते हो, कैसे भी खा सकते हो, द ओनली प्रॉब्लम with ओल्ड पीपल इज जिसमें भी प्रोटीन होता था, जिसमें भी फैट होता था, जिसको भी वो हैवी बोलते थे, राइट, हैवी है, इसलिए वो गर्म है, क्योंकि अंदर जाके आपके अंदर गर्मी पैदा करते हैं,
राइट, बिकॉज इट्स इट नीड्स मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट, बिकॉज उसमें प्रोटीन है, ये है, तो वो डाइजेशन होगा, ये होगा, उसमें एनर्जी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गर्मी में नहीं खा सकते, आप ठंडी में नहीं खा सकते, आप इसमें नहीं खा सकते. ठंडी में आप ज़्यादा खा लेते हो बिकॉज यू फील अ लिटिल वार्मर, राइट, गर्म हो जाते हो, प्रोटीन ज़्यादा खा लेते हो, खाना ही ज़्यादा खाते हो, तो वो भी ज़्यादा खाते हो. गर्मी में थोड़ा कम खाते हो, ऑलरेडी गर्म होते हो, फिर वो खाओगे गर्म फील होगा तो फिर लगता है कम खा लो, लेकिन खा सकते हो. कितना खा सकते हो? एक मुट्ठी खा सकते हो सेफली, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके ऊपर का कवर निकालने की भी जरूरत, उसको भिगो के रखने की भी जरूरत नहीं है. वो मैंने समझाया है फाइटिक एसिड वाले वीडियो में, अपने चैनल में, दूसरे वाले में अच्छे से बताया हुआ है, राइट, गो एंड वॉच इट. वरुण गुप्ता जी ने पूछा है, सर आई हैव अनइवन चेस्ट, एक तरफ स्टोन बन गया है. स्टोन, स्टोन चेस्ट में स्टोन है, पक्का पथरीली चेस्ट, मुक्का मार के देखेंगे. और एक तरफ नॉर्मल, जब से मैंने जिम जाना शुरू किया है, एक साल से बड़ा होते जा रहा है, सो पेनफुल. अच्छा, ऐसा ही. सो ये जरूर कई कई लोगों में होता है. क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आती है बारबेल में, बारबेल या मशीन वाले में. अगर आप वर्कआउट करते हैं ना, तो मशीन में ये होता है कि आप एक हाथ से पुश करो या दो हाथ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. मशीन जो दोनों मशीन वाली चीज़ है ना, उसको कभी ट्राई करना, इससे नहीं भी पुश किया तो भी वो आगे जाएगा, राइट. सो होता क्या है, आपका डोमिनेंट हैंड जो है, आप उसी को एक्सरसाइज करते रहते हो और एक ही मसल की एक्सरसाइज होती रहती है. एक मसल आपकी हार्ड होती जाती है, एक मसल आपकी स्टिफ होती जाती है, आपको लगता है एक ज़्यादा एक कम, ऐसा होता जाता है. मोस्ट कॉमन रीजन इज दैट मशीन, एंड सेकेंड इज योर बारबेल. बारबेल में ऑल्दो इतना नहीं है कि बारबेल में कम ही होता है, क्योंकि एक उठाओगे तो दूसरा गिर जाएगा, लेकिन बारबेल में भी वो थोड़ा सा इफेक्ट स्लाइट रहता है. मेरा हैंड कौन सा है, बिकॉज एक बार ऊपर ले लिया फिर थोड़ा सा ऊपर करना आसान है, राइट, दैट इज वन थिंग. बट देन पॉइंट इज, आप क्या करो, आप वन हैंडेड हो गया केबल वाले दूसरे से, जो वीक चेस्ट है उसको एक्सरसाइज करो केबल वाले से, और थोड़ी सी मसाज कराओ उस पर. स्टोन वाला काम मत करो, इतना पथरीली. अगर दर्द हो रहा है तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देखो, कहीं वहाँ पर कोई एब्सेस या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन रही कि ट्रॉमा हो के आपने फाइबर्स वो कर दिया है, कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है. अल्ट्रासाउंड करा के देखो चेस्ट का, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सॉरी. ऑल राइट, नरेंद्र जी हो गया, अभी जी का है, व्हाट इज द प्रोटीन बाइंडिंग, बाउंड एंड अनबाउंड प्रोटीन, हाउ अफेक्ट्स ड्रग प्रोटेंसी. वेरी गुड. सी, आपके ब्लड के अंदर सेल्स हैं, उन्हीं के अंदर प्रोटीन घूमता है. मैंने अमाइनो एसिड वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी खाते हो एब्जॉर्ब होने से पहले अमाइनो एसिड बन जाते हैं, अमाइनो एसिड के छोटे छोटे ग्रुप अंदर चल जाते हैं, जो कि आपके ब्लड में अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये मेन प्रोटीन्स है, और बाकी थोड़े बहुत प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में घूमते हैं. अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन बना के, वे अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन जो है वही लिवर फंक्शन में टेस्ट होते हैं कि मेरा अल्ब्यूमिन कम है, मेरा ग्लोब्यूलिन कम है, प्रोटीन्स कम है, राइट. ये अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन आपके ट्रांसपोर्ट वाले प्रोटीन्स है, ब्लड में घूमते हैं. और ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, हर एक कई सारी चीज़ें, खाने पीने की कई चीज़ें, कोई कई दवाएं इनसे बाउंड हो जाती हैं, इनके साथ घूमती हैं, ट्रैवल करती है. एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पेट से लेकर दिमाग तक जाना, पेट से किडनी तक जाना, पेट से कहीं और जाना, वहाँ तक जाने के लिए अल्ब्यूमिन बाउंड ग्लोबुलिन प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होते हैं. तो प्रोटीन बाउंड होने के लिए उससे बाउंड होती है. अगर मान लो प्रोपोटेंसी की बात, अगर आपका प्रोटीन ही आपके बॉडी में कम है, मान लो हाइपोप्रोटीनीमिया है, तो प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है वो भी, उसका भी इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा. ऐसा दिस इज़ हाउ पोटेंसी वेरीज, पर उतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं जितना लेवल पे हम सोचें कि बहुत ज़्यादा वेरी, बट ये है प्रोटीन बाइंडिंग. ठीक है, रजिंदर सिंह जिलू, हेलो सर, जब मैं सुबह ब्रश करते वक्त थ्रोट में फिंगर डाल कर साफ करता हूँ तो ब्लड आता है, आई एम वेरी वरीड, प्लीज़ हेल्प. ये बहुत होता है, बहुत कॉमन है, सबको कभी ना कभी ब्लड आता है. एग्रेसिव ब्रशिंग से गम ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं. कई बार थ्रोट ड्राई होती है तो करते हो तो फिर ब्लड आ जाता है, दैट इज़ कॉमन, डोंट वरी अबाउट इट. आप एक बार ENT चेकअप करा लो कि बहुत ज़्यादा अंदर कहीं कोई छाला वाला तो नहीं है. दूसरा, आप अपना एक बार विटामिन प्रोफाइल करा लो कि विटामिन में कोई कमी तो नहीं है. और B12, C and D, और बहुत सा C भी होता है, और या विटामिन प्रोफाइल भी होता है आजकल,
बहुत सारे लैब्स में, वो करा लो और डोंट वरी अबाउट इट. थोड़ा सा पानी ज़्यादा पियो, ड्राइनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न. और मल्टीविटामिन लेना शुरू करो, वाइटामिन की कमी होगी तो हेल्प जल्दी हो जाएगी मतलब उससे. एंड डोंट वरी, एक बार डेंटल चेकअप भी करा लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दांत से या गम से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपको लग रहा है कहीं क्या पता नहीं क्या हो रहा है, राइट? दैट इज़ वन थिंग. और थोड़ा लाइटली ब्रश करो, ऐसा नहीं है दवा दवा के साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्यार से ब्रश करो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, ठीक है? एक और सवाल आया है, लेट्स सी, राइट, एक और सवाल आया है जाइद सैयद जईम. सर वीकली 2 times मास्टरबेट कर सकते हैं? भैया रोज़ एक बार कर सकते हो, रोज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लोग कई वीडियोस मैंने देखे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कह रहे हैं हफ्ते में एक बारी करो, हफ्ते में 2 बारी करो, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जितनी बार आप रोज़ अगर आप जितनी बार सेक्स कर सकते हो उतनी बार मास्टरबेट भी कर सकते हो, इज नो डिफरेंस, राइट? शादी हो जाएगी या नई नई शादी होगी उसके बाद आप बोलोगे नहीं भैया मैं तो हफ्ते में एक बारी करूँगा, आपको रोज़ मन कर रहा है तो नहीं हफ्ते में एक बार, ठीक है? क्या होगा, ऐसे करते क्या? कोई नहीं करता, अभी रोज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर रोज़ करोगे, ऐसा होता है क्या? कोई करता है? आज मैं 90 साल का हूँ, मैंने आज तक एक भी दिन नहीं छोड़ा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता. सो ऑब्वियसली कुछ टाइम आएगा आपके एज में जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कुछ टाइम आएगा जब नहीं आएगा, राइट? मन नहीं करेगा. सो कितना कर सकते हो ये आपके मन पे डिपेंड करता है, जितना मन कर रहा है उतना करो, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन ऐसा नहीं एक दिन में 10 बार, एक दिन में 25 बार, कौन करता है? दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है? एक दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं एक दिन में, कुछ दिन तक, राइट? जिंदगी भर नहीं, दैट इज द आइडिया. ओवर यूज है ना. ऑलराइट, 10 सवाल हो गए भाई, 30 मिनट हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी के साथ 11 भी सवाल हो गए. चलो दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं चलता हूँ और 11 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगा अपने सेकंड चैनल पे, FAQ चैनल पे, राइट? तब तक देख के आता हूँ पेशेंट को, वो रोने ना लग जाए.